चांदनी रात में दिया तेरे हाथ में, सॉरी चांदनी रात की बात जब होती है तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? रोमांस। हाँ, मेरे भी दिमाग में आता है, बस है नहीं कोई। पर दूर किसी घने जंगल में कुछ और ही गोल खिल रहे होते हैं। जंगल के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। एक आदमी, उसकी हड्डियां टूटकर आकार बदलने लगती है। उसके शरीर से घने बाल निकलने लगते हैं। उंगलियों से तीखे नाखून और मुंह से नुकीले दांत बाहर आने लगते हैं। उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर एक भयानक जानवर में बदल जाता है। ऐसी एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो चिल्लाता है, जिससे पूरा जंगल कांप उठता है। आधा इंसान आधा भेड़िया। बेटा हो गया ना तेरा? हाँ हो गया। मूवी, कॉमिक, बुक और कहाँ से, अब वेरुल के बारे में तो जाना ही होगा। ये है एक मानव भेड़िया, अंग्रेजी में बोलू तो एक वेरुल, आधा इंसान आधा भेड़िया। एक इंसान, एक भेड़िया, या बोलो एक वेरुल, उसमें कैसे बदलता है? वैसे मैंने कोई PhD नहीं करा है, पर बहुत सारे सोर्स को देखने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। जादूगर के श्राप की वजह से जादुई कपड़ा या जादुई छाल, जड़ी बूटी पीकर, एक जादुई ऑइंटमेंट लगाकर, पूर्णिमा के रात को चांद की किरणों में खुले में सोने से, पानी पीने से जहाँ पे किसी भेड़िया का पैर पड़ा हो, या अगर माँ बाप ही वेरुल्फ हो, और आखिर में सबसे फेमस, कोई वेरुल्फ पूर्णिमा के रात को किसी इंसान को काट ले और वो इंसान बच जाए, वो वेरुल्फ में बदल जाता है। पर ये वेरुल्फ वाला कॉन्सेप्ट आया कब? 10 साल पहले, 20 साल या 100 साल? असल में वेरुल्फ का जिक्र लाखों सालों पहले हुआ था, आदि मानव के टाइम। नहीं, ये वाला आदि मानव ने, ये वाले आदि पुरुष। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे जो आदि मानव रहते थे, उनके केव पेंटिंग से हम उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। उस टाइम के अजीब जानवरों के बारे में जान सकते हैं, जहाँ पे वेरुल्फ जैसे जानवर भी हैं। पर पहली बार कहीं पे वेरुल्फ का जिक्र किया गया था तो वो है मेसोपोटामियन माइथोलॉजी से, द एपिक ऑफ गिलगमेश। इसमें एक औरत अपने आशिक को श्राप दे दिया था, जिसके वजह से उसका आशिक एक भेड़िए में बदल गया था। ऑल्दो ये एक वेरुल्फ नहीं था, पर पहली बार कहीं पे मेंशन किया गया था इंसान भेड़िए में बदल जाते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में लाइकेन नाम का एक राजा ज्यूस को अपने ही बेटे को मार के उसे खाने को परोस देता है, बस ये साबित करने के लिए कि ज्यूस सब कुछ नहीं देख सकते। कैसा बाप है यार! इससे ज्यूस गुस्से में आके उस राजा और उसके पूरे वंश को श्राप देके भेड़िया बना देते हैं। साल 425 में एक ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने लिखा था कि एक नोमाडियक ट्राइब नूरियंस, यहाँ पे इंसान भेड़िए में बदल जाते हैं साल के कई दिनों के लिए। नॉर्स माइथोलॉजी के वोल्सुंगा सागा में दो आदमी, सिगमोंड और सिंबियोटी के बारे में लिखा है, जो एक जादुई खाल पहनकर वेरुल्फ में बदल जाते थे। रोमन के एक व्यंग्यकार पेंट्रोनियस, उन्होंने एक सोल्जर के बारे में लिखा था जो अपने साथी को वेरुल्फ में बदलते हुए देखा था। 16th century, जब सुपरस्टिशन अपने चरम सीमा पे था, तब बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था ये समझ के कि वो वेरुल्फ हैं। साल 1500 में दो फ्रेंचमैन, पियर्स बर्गो एंड मिकेल बार्टन, कहा जाता है ये दोनों वेरुल्फ बन गए थे। ये भी कहा जाता है कि ये दोनों डेविल के साथ एक सौदा करते हैं, जिसे डेविल इनको एक ऑइंटमेंट देता है और उसे लगा के वो वेरुल्फ बन जाते थे। सच था या झूठ, पर उन दोनों को जिंदा जला दिया गया था जब उन्होंने ये कबूल किया था कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने मारा है। ये एक ऐसा वक्त था जब वेरुल्फ अब मिथ बन के नहीं रहे, ये लोगों के लिए एक बुरा सपना बन गए थे। व्हाट इज मास हिस्टेरिया? मास हिस्टेरिया एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जहाँ एक सोसाइटी में बड़े पैमाने पे लोग अजीब हरकतें करते हैं, या एक इमेजिनरी चीज से डरते हैं, या एक अजीब से कॉमन थॉट रखते थे दिमाग में। साल 1913 में आई द वेरुल्फ शायद सबसे पहला मूवी था जो एक वेरुल्फ के ऊपर बनी थी। इसके बाद द वेरुल्फ ऑफ लंदन साल 1939 में आई थी। उसके बाद द वुल्फमैन, फ्रैंकेंस्टाइन मीट्स द वुल्फमैन और ऐसे बहुत सारे मूवी में वेरुल्फ को दिखाया गया है। और मे बी सबसे फेमस वैन हेल्सिंग वाला वेरुल्फ है। टाइम के साथ साथ बहुत सारे किताबें लिखी गई, गेम्स बनाए गए, कॉमिक्स में दिखाए गए और बहुत कुछ। हमारी इंडिया की बात करें तो वरुण धवन के भेड़िया मूवी में अरुणाचल प्रदेश के एक अर्बन लेजेंड के बारे में दिखाया जाएगा, जो काफी हद तक वेरुल्फ से मैच होता है। वेरुल्फ को कैसे मारा जाए कोई नहीं जानता। कई बोलते हैं एक वेरुल्फ जब अपने ह्यूमन फॉर्म में हो तब उसे मार देना चाहिए। कई कहते हैं सिल्वर बुलेट से मार सकते हैं और ऐसे हजारों थ्योरीज है। पर वेरुल्फ की कहानी कितना सच है कितना झूठ, ये शायद ही पता चले। एंशिएंट माइथोलॉजी से लेकर मेडिवल एजेस के सुपरस्टिशन तक, हॉलीवुड के मूवी से लेके कॉमिक्स तक, सब जगह एक कॉमन चीज है,
जब एक आदमी वेरुल्फ बनता है तो वो अपने दरिंदगी पे उतर आता है। तो इससे पहले मैं अपने दरिंदगी पे उतर आऊं, वीडियो को लाइक कर दो यार, जाते जाते सब्सक्राइब बटन में अपना पंजा मार के चला जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।